ये पहले ये क्लियर करो, आ रही है ना? देखो कोई फंक्शन है बेटा, यहाँ पे आर से आर है, ध्यान रखना, एफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स है, तो थ्री एक्स की पावर एक है, तो ये वन वन ऑन टू मैनी वन ऑन टू क्या है ये बताओ, कौन बताएगा? साक्षी और शिवानी में से बताओ। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू, क्योंकि हमने कई बार बता लिया ओड पावर वाला वन वन ऑन टू होता है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स एक्स आज सुबह ही लिखवाया था मैंने, क्या होती है? हाँ, माइनस पाई बाई टू से पाई, जीरो से पाई किसकी होती है? कॉस इनवर्स एक्स की। और ध्यान रहे ये ओपन ब्रैकेट भी आओगे या क्लोज भी, क्लोज वाला आंसर है, क्लोज में एंड पॉइंट भी शामिल होते हैं। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है बेटा, 2x प्लस 3y ये है, y का मान ये है, तो x इज इक्वल टू, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे बताना एक बार। इसमें y की वैल्यू रखेंगे, सही बात है, और उसको तीन से भी गुणा कर लेंगे हर एंट्री को, फिर उसको इधर ले आएंगे तो क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, फिर माइनस करने के बाद जो मैट्रिक्स बचेगा उसको किससे डिवाइड करेंगे बेटा, दो से, तो x आ जाएगा। ठीक है, चौथा देखो बेटा, ये हमारे पास डिटरमिनेंट इस डिटरमिनेंट के बराबर है, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी बताना होगा, थ्री एक्स, थ्री माइनस एक्स स्क्वेयर, और इधर क्या होगी, थ्री माइनस एट, जैसे मैंने कर भी रखा है पिछले साल, तो तीन से तीन कट गया, माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस आठ, एक्स स्क्वेयर आठ, तो एक्स क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट एट, रूट एट क्या होता है, टू रूट टू, तो सी आंसर हो जाएगा। और ये बीकर रखा है मैंने, वाई की वैल्यू रख दी यहाँ पे, ये तीन से गुणा हो जाएगा, नौ छः तीन बारह, इसको फिर हमने इधर घटाना है लाके, ये घटा दिया, माइनस सात माइनस तीन एक माइनस बारह, तो अब एक्स क्या हो जाएगा, हर एंट्री को किससे डिवाइड कर देंगे, दो से। उसके बाद डिफ्रेंसिएशन है बेटा, ई की पावर साइन रूट एक्स का, तो ई की पावर साइन रूट एक्स का कैसे होगा साक्षी? बताओ, साक्षी और शिवानी में से रितेश भी बता सकता है, डेरिवेटिव होगा क्या बेटा, वही पूछ रहा हूं मैं, पहले ई का होगा ना, ई का, तो भाई पहले ई का होगा, यहाँ पे ई साइन रूट एक्स है, तो पहले ई रूट साइन एक्स ही हो गया इसका, ई का और ए का यूं हो जाता है, फिर ई की पावर जो भी था साइन का क्या होगा, कोस रूट एक्स, और अब रूट एक्स का होगा वन बाई टू रूट एक्स, तो ये आंसर है इसका, कोस एक्स माइनस साइन एक्स एज लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम के लिए हम क्या करेंगे, एक बार फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो, माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स जीरो इक्वेट करेंगे, तो यहाँ देखो माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स हो जाएगा, तो टेन एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस वन, वन कहाँ पे वैल्यू होती है, पाई बाई फोर पे, और नेगेटिव पहली बार सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, तो पाई में से क्या घटाएंगे, पाई बाई फोर, तो आंसर क्या हो जाएगा,
थ्री पाई बाई फोर। ये कैसा फंक्शन है? लॉग ऑफ कोस एक्स। तो यहां तुम डिफरेंशिएशन करोगे, लॉग ऑफ कोस एक्स का क्या डिफरेंशिएशन होगा बताना भाई, रितेश बताएगा लॉग ऑफ कोस एक्स का। क्या डिफरेंशिएशन होगा बेटा बताओ? शिवानी और ये साक्षी में से बताओ। वन बाई कोस बेटा, वन बाई कोस एक्स। और अब कोस का क्या होगा? तो माइनस टेन एक्स हो जाएगा। तो डिक्रीजिंग कब हो? जब टेन एक्स पॉजिटिव आए, क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन तो दिब बना रहेगा। तो यहाँ टेन एक्स पॉजिटिव किस में होगा? अच्छा, इंक्रीजिंग पूछा है। इंक्रीजिंग के लिए क्या करना पड़ेगा? अब ये सारी वैल्यू क्या है? माइनस टेन एक्स क्या आना चाहिए? ये पॉजिटिव आना चाहिए। तो पॉजिटिव कब आएगा? जब टेन एक्स नेगेटिव हो, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई हो गया आएगा। तो टेन एक्स नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? देखो, जीरो से पाई बाई टू है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें तो पॉजिटिव होता है। फिर जीरो से पाई, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट भी शामिल हो गया और दूसरा भी। इसमें माइनस पाई बाई टू से जीरो भी आएगा बीच में, उसमें तो नेगेटिव और अगले में पॉजिटिव, तो ये भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आएगा। उसके बाद इवेलुएट आठवां जो क्वेश्चन है बेटा, कोस एक्स डिवाइडेड बाय रूट वन प्लस तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बताओ? जैस्मिन बता बेटा। वेरी गुड। तो वो एक का तो जीरो हो जाए, साइन एक्स का क्या होगा? कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, तो ऊपर वाला डी टी हो गया, नीचे हो गया रूट टी। तो टी की पावर अलग से लिख लो, क्या हो जाएगी? माइनस हाफ। अब इसका इंटीग्रेट करना है हमने इसको, टी की पावर माइनस हाफ प्लस वन। तो टी की पावर हाफ डिवाइडेड बाई हाफ, यानी कि दो टी की पावर कितनी हो जाएगी? हाफ। तो टू रूट टी, टी को वापस कर दो, वन प्लस साइन एक्स। ठीक। उसके बाद माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, इसका उत्तर मैं रितेश से भी जानना चाहूंगा। माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू हो तो क्या उत्तर होता है? प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन में से जीरो उत्तर आएगा इसका। फाइंड द डिग्री एंड ऑर्डर। डिग्री भी बतानी है और ऑर्डर भी बताना है। तो पहले ऑर्डर बताया जाता है, डिग्री के लिए भी हम ऑर्डर को ढूंढते हैं। तो ऑर्डर इसका कितना है शिवानी? कितना है बेटा बताना एक बार। और डिग्री कितनी है बेटा? वन। गुड। और इसको हमने इंटीग्रेट, ये सॉल्यूशन करना है। तो मन बताया था एक नंबर में, तो कौन सी आएगी? सेपरेशन वाली आएगी। ये सेपरेट हो गए, इसका टेन इनवर्स वाई, इसका टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। उसके बाद एक बैग में टेन वाइट हैं बेटा, ब्लैक हैं पंद्रह, दो निकाली गई हैं। तो वन वाइट वन ब्लैक,
देखो वाइट कितनी है, बड़ी ध्यान से करना है इसको। वाइट कितनी है, ब्लैक कितनी है, 15। इसने कहा देखो ध्यान से, 1 white और 1 and 1 black। तो ये भी हो सकता है W1B2, ठीक है। ये W1 क्या है, W1 क्या है बेटा? इवेंट ऑफ ड्राइंग अ व्हाइट बॉल इन फर्स्ट रो। तो पहली व्हाइट हो, दूसरी ब्लैक हो, और ऐसा भी तो हो सकता है पहली ब्लैक हो और दूसरी क्या हो, व्हाइट हो। अगर ये कहता ना फर्स्ट व्हाइट एंड सेकंड ब्लैक, तो ये आंसर था। अब 1 white और 1 black का है तो उल्टी सुल्टी हो सकती है, पहले व्हाइट फिर ब्लैक या पहले ब्लैक फिर व्हाइट। अब जहां पे और है वहां पे तो एडिशन, बाकी जगह क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। तो व्हाइट की कितनी हो जाएगी, 10/25। अब विदाउट रिप्लेसमेंट है तो ब्लैक की कितनी होगी, अब 15/25 बेटा। उल्टी नहीं दे रही हूं ना, विदाउट रिप्लेसमेंट है। अगला क्या हो जाए, पहले ब्लैक की 15/25। अब नए सिरे से लेना होता है यहां से, फिर पहले ब्लैक है 15 और अगली क्या हो जाएगी, व्हाइट है 10/24। तो इसको सोल्व करना, कर लेना। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 5/26, बी की 5/13, इंडिपेंडेंट दे रखी हैं। तो ए ओब्लिक बी बताओ, तो ए ओब्लिक बी होता क्या है, इंटरसेक्शन बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, लेकिन इंडिपेंडेंट है तो ये क्या हो जाए, पी ऑफ ए गुणा पी ऑफ बी। तो पी ऑफ बी से पी ऑफ बी कट जाए, उत्तर कितना आ जाएगा, पी ऑफ ए ही उत्तर आता है। इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 5/26, ठीक है। तो उसके बाद ये सिलेबस में नहीं है, 14। ए एंड बी आर टू वैक्टर सच दैट, ए तो ये है बी ये है, फाइंड द यूनिट वैक्टर पैरल टू ए प्लस बी। तो ए प्लस बी की डायरेक्शन में यूनिट वैक्टर क्या होगा, ए प्लस बी और डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड। तो ए प्लस बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड, किसी भी वैक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वैक्टर निकालना हो तो उस वैक्टर को उस मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो ए प्लस बी कितना आ गया, इनको जोड़ लो, 5i में 3i जुड़ गया 8i 2j में जुड़ गया 2j तो 4j, माइनस का 4k में माइनस का 4k तो कितना हो जाएगा, माइनस का 8k। अब इसको किससे डिवाइड करना है, इसके मैग्नीट्यूड से, 64 + 4 = 16 64 और 16 = 80, 80 और 64 = 144, 144 का वर्गमूल कितना होगा, 12। इक्वेशन ऑफ ए लाइन ये भी आ सकता है, क्योंकि लाइन ही सिलेबस में है, प्लेन तो घटा दी गई है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2, 3, तो क्या होगा, x-1/L, y-2/m और z-3/n। अब LMN कैसे निकलेंगे, ये कहता है लाइन किसके पैरेलल है, ये पैरेलल हो तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, सेम। डायरेक्शन रेशियोज किसी भी वेक्टर के क्या होते हैं, आई का कोफिशियंट, जे का कोफिशियंट और के का कोफिशियंट। तो L कितना है, 1,
एम कितना है? दो। और एन कितना है बेटा? माइनस माइनस एक। ये रख देना, ये आंसर है। उसके बाद सेकंड दो दो नंबर वाले आ गए, एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस फोर है, तो एफ इनवर्स पूछा है, तो इनवर्स के लिए क्या कार्रवाई करते हैं बताओ। सर पहले तो वन वन चेक करना है। वो दिखाना नहीं है बेटा, हम सुनो यहाँ ये नहीं कहता अग भाई ये दिखाओ ये इनवर्सिबल है, यहाँ तो इसने इनवर्स ही पूछ लिया। तो क्या करेंगे, y इज इक्वल टू क्या करेंगे, पहले एफ एक्स ये कर दिया, एफ एक्स की वैल्यू, और फिर किसके लिए सोल्व करते हैं, x के लिए, x की टर्म एक तरफ बाकी एक तरफ, एक्स स्क्वेयर एक तरफ, चार इधर आ जाएगा, वाई माइनस चार, फिर एक्स क्या हो जाएगा रूट वाई माइनस चार, तो एफ इनवर्स एक्स क्या हुआ, जहां वाई था वहां पे अब क्या रख देंगे एक्स, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, थर्ड देखो, टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, हमने ये दिखाना है, तो जहां ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर आए तो हम क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूशन कौन बताएगा, शिवानी बता बेटा, है बेटा ए साइन थीटा। देखो मैंने यहां भी लिख रखे हैं, पिछले साल भी मैं हर बार जब भी ये क्वेश्चन आता, तो वन माइनस एक्स स्क्वेयर हो तो एक्स को साइन थीटा, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर हो तो ए साइन थीटा, एक्स स्क्वेयर माइनस वन हो तो सीकेंट, और प्लस एक्स स्क्वेयर हो तो टेन ए। तो यहाँ हम x को क्या रखेंगे, a साइन थीटा, ऊपर क्या हो गया a साइन थीटा, नीचे a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर की जगह क्या हो गया a स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, तो a साइन a स्क्वेयर बाहर आ जाएगा, तो यहाँ वन माइनस साइन स्क्वेयर और a साइन थीटा, a स्क्वेयर का रूट a हो गया, और वन माइनस साइन स्क्वेयर क्या हो जाएगा कोस स्क्वेयर, कोस स्क्वेयर का रूट कोस थीटा, तो a से a कट गया, साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या लिखा जाएगा टेन थीटा, तो यहां पे क्या आ गया सिर्फ थीटा, थीटा आ गया। थीटा आ गया, और थीटा जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, हमने रखा क्या था एक्स को ए साइन थीटा, तो थीटा एक तरफ करेंगे अब, तो पहले साइन थीटा एक तरफ होगा तो एक्स वाई ए, और थीटा कितना आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स वाई, समझ आ गया होगा मेरे ख्याल में। बताओ बेटा। सर आ गया। आ गया। ये क्वेश्चन हमने स्कूल में भी किया था, आज ए बी निकाल लेंगे और फिर क्या कर देंगे उसका ट्रांसपोज। ठीक है, चले आगे। बताया करो ऐसा अक्षर, ये शिवानी ये बैठी रितेश, अरे रितेश कहाँ गया, यस सर बोल लिया करो बेटा, शिवानी को भी आवाज सुनाई दे रही है, यस सर फिर बोलती क्यों ना बेटा, ना अरे जो न्यू कह दिया अरे जी हमने ना बेरा, ताकि मैं उसको बताऊं, ये पिछला क्वेश्चन समझ आ गया, यस सर ओके। अब ये देखो सर, इसको हमने बनाना है ए माइनस बी, माज ही बता रहा था बी माइनस सी और सी माइनस ए,
देखो वन 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 आने के बाद तो क्वेश्चन में कुछ रहता ही नहीं डिटरमिनेंट में। वन 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 आने के बाद हमारी क्या स्ट्रेटेजी होती है, रणनीति होती है कि किन्हीं और दो एंट्रीज को क्या कर लेंगे, जीरो। तो आर टू में से क्या घटाएंगे, आर वन, और आर थ्री में से क्या घटाएंगे, आर टू। तो LHS में हमने ऑपरेशन लगाया आर टू चेंज्ड बाई आर टू माइनस आर वन, और आर थ्री में क्या किया, आर थ्री में से आर टू घटा दिया। तो यहां पे पहली रो तो न्यू के न्यू है, इसमें ये क्या हो गया जीरो। यहां बी में से क्या घटाया बेटा, आर टू में से क्या घटाया आर वन, तो बी में से क्या घटाया ए, और यहां सी ए में से क्या घटाया बी सी, यहां एक में से क्या घटाया एक जीरो, सी में से क्या घटाया बी, और यहां ए बी में से क्या घटाया सी। तो इसको सूत्री डाल देख लो, एक जीरो जीरो ए बी माइनस ए सी माइनस बी बी सी, और देखो बेटा यहाँ सी ए माइनस बी सी है तो सी कॉमन आ गया, तो कितना बच गया ए माइनस बी, और यहाँ ए बी माइनस सी ए था तो ए कॉमन आ गया, तो कितना बच गया बी माइनस सी। तो देखो सेकंड रो में से क्या a माइनस बी है, यहाँ b माइनस ए है, तो माइनस कॉमन बाहर लेके हम इसको भी क्या लिख सकते हैं a माइनस बी। तो एक बारी में ये भी कर लो, तो क्या बार आएगा यहां पे इसमें से a माइनस बी, और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है बेटा b माइनस सी, और डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा, अब पहले डिटरमिनेंट ले वन ए बी सी जीरो माइनस वन, देखो यहां क्या बचेगा माइनस वन, यहां क्या बच गया c, जीरो माइनस वन, और यहाँ क्या बच गया ए। कुछ खास नया नहीं किया हमने, एक 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 आने के बाद किन्हीं दो एंट्री को क्या करते हैं जीरो, जीरो कर लिया, कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद फिर हम किससे एक्सपेंड करेंगे इससे, तो माइनस ए क्या आएगा, ये माइनस ए और प्लस का सी, यानी कि यही आंसर है, दैट्स और चीज। तो डिटरमिनेंट का बहुत ही आसान क्वेश्चन आएगा, यहां ये कहता है एफ एक्स हमारे पास लैम्डा इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स है जब एक्स एक से छोटा हो, और एक से बड़ा हो तो क्या है फोर एक्स प्लस वन, तो लैम्डा बताओ, तो लैम्डा फंक्शन कंटिन्यूअस दे रखा था, इसका मतलब एक के ऊपर, क्योंकि एक पर चेंज हो रहा है फंक्शन, एक के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होंगी इक्वल। अच्छा राइट हैंड लिमिट के लिए कौन सी ब्रांच यूज होगी, राइट हैंड लिमिट का मतलब है एक से की राइट साइड, यानी कि एक से बड़ा, तो नीचे वाली, नीचे वाले में एक रख दो, फोर इंटू एक जमा एक कितना आंसर आ गया पांच। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सी यूज होगी,
हाँ इसमें रख दो एक, एक का स्क्वायर माइनस दो गुणा एक, तो ये आ जाएगा लैम्डा इंटू वन माइनस टू, वी गेट माइनस लैम्डा। तो माइनस लैम्डा किसके बराबर होना चाहिए, पांच के। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी साक्षी, लैम्डा की क्या वैल्यू आएगी? शिवानी सर प्लस माइनस फाइव। अच्छा रितेश माइनस पांच। गुड, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस पांच। प्लस माइनस फाइव जब होती, जब लैम्डा स्क्वायर 25 होता, तब हम लिखते लैम्डा इज इक्वल टू, यहां तो सिंपल था माइनस लैम्डा इज इक्वल टू फाइव है, तो माइनस साइन चेंज करना था। उसके बाद एक्स ये है, कौन सी फॉर्म है ये, ये गणे क्वेश्चन कर लिए हमने, बोले आ रो बेटा कौन सी फॉर्म है ये, पैरामीटर क्या है, टी है इसमें पैरामीटर। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई थीटा नहीं डी टी, और डिवाइडेड बाई थीटा नहीं बेटा टी, टी बोलो, क्योंकि टी पैरामीटर है, थीटा होता तो थीटा लिखते। अब डी वाई बाई डी टी क्या होगा, ए तो गुणा में, साइन टी का क्या हो गया कोस टी, और टी कोस टी को कैसे लिखेंगे, यू इंटू वी मेथड से, टी इंटू टी एज इट इज, कोस टी का क्या होगा माइनस साइन टी, फिर प्लस कोस टी एज इट इज टी का वन। इसका क्या होगा ए, कोस टी का क्या होगा माइनस साइन टी, टी साइन टी को उसी तरह से यू इंटू वी में टी एज टी, साइन टी का क्या होगा कोस टी, फिर साइन टी एज टी टी का क्या हो जाएगा वन। ए से तो ए कट गया, पहले ब्रैकेट खुलेगी ऊपर वाली की, कॉस टी माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस टी साइन टी, और माइनस ये क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस था तो कॉस टी, माइनस साइन टी, टी कॉस टी, ये तो कट गया साइन टी, माइनस साइन टी से प्लस टी कट गया, तो कितना रह गया टी, तो यहाँ कोस टी से कोस टी भी कट गया, तो क्या रहेगा टी साइन टी बटे में टी कोस टेन टी, डी वाई बाई डी एक्स आ गया, अब डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर और बताओ, पहले बारी है रितेश साक्षी और शिवानी की, अरे वो टेन इनवर्स का होता है भाई, बस या कुछ और बोलना चाहेंगे, टी का और होगा डी टी बाई डी एक्स, गुड ठीक है, और ये वैल्यू रख लेंगे।
अच्छा टी को पाई बाई थ्री भी रखना है, टेन टी को टेन पाई बाई थ्री क्या वैल्यू होती है? गुड। तो अब आठवां प्रश्न है ई एक्स सीकेंट एक्स प्लस सीकेंट एक्स प्लस सीकेंट टेन एक्स, क्या कैसे कौन सी फॉर्म है ये? रितेश शिवानी और साक्षी में से बताएं पहले। ई एक्स एफ एक्स उत्तर है। ई एक्स फॉर्म कौन सी है? ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैस एक्स, ये फॉर्म है। तो इसका उत्तर क्या होता है? तो एफ एक्स कौन सा है, एफ डैस एक्स कौन सा है इनमें? इसका उत्तर है ई एक्स सीकेंट एक्स, ये उत्तर है इसका है? लेकिन यहां दो नंबर में आया हुआ है तो हमने क्या करना पड़ेगा, इसको सोल्व करना पड़ेगा। सीकेंट एक्स ई एक्स सीकेंट एक्स टेन एक्स, तो क्या टेक्निक है? पिछले को तो छेड़ना नहीं, इसको करेंगे ये यू ये वी। तो सीकेंट एक्स एज इट इज, ई एक्स का क्या हो जाएगा? अब सीकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन, सीकेंट एक्स ई एक्स का ई एक्स और ये था पीछे, तो क्या हुआ बेटा ये इसे जो कट गया तो उत्तर के रह गया ईव नंबर मिल रहे हैं। और ये क्वेश्चन जो है कौन सी टेक्निक पे है, क्या है? फोर्थ प्रॉपर्टी। ईव तो साक्षी का ध्यान मान लगी बात, तो इसका उत्तर भी बता देगी जैस्मिन, तो उत्तर भी बता देगी शायद। इसका क्या नाम देंगे? ये प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी साथ में लिखनी पड़ेगी बेटा, वहां जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, जीरो टू ए डी एक्स, ठीक है? तो जीरो से पांच, जहां एक्स है वहां क्या लिखेंगे? पांच माइनस तो यहां भी क्या हो जाएगा? जैस्मिन ने उत्तर नहीं बताया। सर पांच बटे दो। यस, इस लिमिट का आधा। तो एक बार इसको और थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लें। रूट पांच माइनस एक्स और प्लस में क्या हो जाएगा? पांच से पांच कट जाएगा, रूट एक्स आ जाएगा। फिर क्या करना है तुमने? एक और दो को ऐड करना है, टू आई। तो ऊपर ऊपर वाले ने जोड़ लिया, ऊपर रूट एक्स है और नीचे क्या है? तो नीचे भी इसमें वही लिख दिया रो जो ऊपर है, ताकि कटती आना भी वो ऊट पटांग ना लग। इन पूरे इन काट दो फिर। तो टू आई क्या हो जाएगा बेटा? इसका एक्स इंटीग्रेशन और पांच जीरो,
टू आई, पाँच माइनस है तो आई कितना हो जाएगा बेटा, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कौन सी फॉर्म है, पहले अलग से दिख रहा है क्वेश्चन, कौन सी फॉर्म है बेटा, ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। रितेश इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, पी कितना है पहले, क्यू कितना है वो बताओ रितेश, पी कितना है बेटा, साक्षी पी कितना है, रितेश वाई ने छोड़ के सारा क्या होता है पी होता है, यहां भी तो ऐसा ही है, क्यू कितना है, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है वो बताओ, e की पावर भी होता है, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ऊपर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन है, तो इसको t रखेंगे तो सारा क्या हो जाएगा dt। तो इसका क्या आएगा log t, e log कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया t, और t की वैल्यू क्या है वापस कर दो 1 प्लस x स्क्वायर, ये तुम्हारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो सॉल्यूशन कैसे होता है, सॉल्यूशन इज गिवन बाय रितेश, y इज इक्वल टू नहीं, y इन टू क्या हुआ, इन टू तो वन प्लस एक्स स्क्वायर, क्या हुआ कितना था कोट एक्स, y इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर, और कोट x का इंटीग्रेशन क्या होगा शिवानी बताएगी, नो डायरेक्ट फार्मूला, और फिर मैंने बल्ले खुआ रखा है क्या है, वेरी गुड, ये आंसर है। ये सिलेबस में नहीं है। उसके बाद एक्स के लिए सॉल्व करना है, बारहवां क्वेश्चन है बेटा, टू टेन इनवर्स, तो इसको हम एक्स के लिए सोल्व करना है, तो टू टेन इनवर्स एक्स है ना, तो इसको लिख लो दो एक्स है ना, तो एक्स प्लस एक्स होता है, तो टेन इनवर्स कोस एक्स प्लस
अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा इधर? इधर कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? यस, तो यू एक्स और यू वाई है दोनों बराबर हैं, कोस एक्स प्लस कोस एक्स और वन वन माइनस कोस एक्स इंटू कोस एक्स, तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स। दोनों तरफ टेन इनवर्स क्या होगा? टू कोस एक्स। और नीचे क्या है बेटा? वन माइनस कोस एक्स को क्या लिख लेंगे? साइन। दो से दो भी कट गया, साइन स्क्वेयर को इधर ले जाएंगे, तो कोसिकेंट साइन एक्स का उल्टा होता है, एक साइन भी कट जाएगा, तो साइन एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स आ गया। साइन एक्स और कोस एक्स की वैल्यू कहाँ बराबर होती है? टेबल से साइन एक्स और कोस एक्स की वैल्यू कहाँ बराबर होती है? पाई बाई फोर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लगभग टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई यूज होता हुआ मिलेगा, और वो खास नहीं है। ये टू टाइम्स था तो मैंने ये प्लस ये लिख लिया, तो एक्स प्लस वाई वन माइनस एक्स इंटू वाई, तो कोस एक्स प्लस कोस एक्स टू कोस एक्स और ये वन माइनस कोस स्क्वायर। समझ आ गई होगी बात? तेरहवा है यहाँ पे, एक्स की पावर एक्स कोस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन है। ध्यान से समझ लियो भाई, और फंक्शन की पावर क्या है? फंक्शन तो क्या लेंगे? लॉग ऑफ बोथ साइड्स। कौन किसको लिखेंगे बाहर? एक्स कोस एक्स को सर। वैसे तो तीन हो गए बेटा ये बड़े ही, लेकिन एक को यू और एक को वी भी ले सकते हैं, और तीन ना का हो तो के करे वो बताऊंगा। इसका तो डिफरेंशिएशन वन बाई वाई, इसको यू तीन हो ना, तो यू वी और क्या ले लेंगे? डबल। तो इसमें क्या होता है, जैसे यो एक का पहले इसका डिफरेंशिएशन ये दोनों एज इट इज, फिर पहला और तीसरा एज इट इज बीच वाले का डिफरेंशिएशन, फिर पहला और दूसरा एज इट इज तीसरे वाले का डिफरेंशिएशन। तो मतलब क्या होता है, ये डी यू बाई डी एक्स वी डब्ल्यू, फिर डी यू बाई डी एक्स सॉरी यू डी वी बाई डी एक्स डब्ल्यू, और लास्ट में क्या हो जाए? यू वी। समझ रहा है रही बात? तो एक्स का हो जाएगा वन, कोस एक्स और लॉग एक्स एज इट इज। अब एक्स और लॉग एक्स एज इट इज कोस का क्या हो जाएगा? फिर एक्स कोस एक्स एज इट इज लॉग एक्स का क्या हो जाएगा? तो y की वैल्यू रख दो, y क्या है तुम्हारा? x की पावर और अंदर हो जाएगा log x cos x माइनस x sin x, x x कट गया प्लस cos x, ये उत्तर है। तो फंक्शन की पावर फंक्शन हम log लेंगे और क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाएगा,
आधे नंबरों के तकदार हो जाओगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया ये कैसे निकालेंगे, कोई भी एक बता दे मेरे को। जैस्मिन को छोड़ गए। ये बताओ शिवानी, साक्षी, रितेश, पहले ए बी सी ट्राइंगल बनाएंगे। ए के कोऑर्डिनेट लिख लेंगे, बी के लिख लेंगे, सी के। ए के क्या आएंगे, 2 - 1 = 1। बी के 1 - 3 - 5। सी के 3 - 4 - 4 - 6। शाबाश रितेश। बी ए वेक्टर बता बेटा। ए में से हेड में से टेल के दो में से एक गया, एक आई, माइनस एक और माइनस तीन है, यहाँ क्या आएगा अब, माइनस चार सर। माइनस चार से धंकाना है, दो आई आओगा दे जे आओगा, माइनस एक है और अगले का निशान बदलना है, प्लस तीन आओगा ना वो, और उससे अगला एक में से ये माइनस पांच है, ये कितना आएगा रितेश बताओ। माइनस चार सिक्स के बी सी रितेश, रितेश को एक मौका और दिया जाता है, मर्सी चांस। दिखता कौन है, ईव तो दिखा है बेटा। यस सर। हाँ कीमत है सर, बी के बता नहीं। हाँ कीमत है एक गया, 2 आई। टू आई प्लस जे नहीं, माइनस फोर तो न्यू का न्यू, और इसका निशान पलट दो 3, तो कितना उतरा होगा यो, अगला और बता, एक चांस और मिल गया तेरे को। माइनस चार तो न्यू का न्यू, माइनस के प्लस के, माइनस चार तो न्यू का न्यू, माइनस पांच का क्या हो जाएगा, प्लस पांच, तो माइनस चार प्लस पांच क्या आएगा, तो अब बी ए वेक्टर क्रॉस क्या निकालना है तुमने, तो आई जे के 1 - 2 - 6 - 2 - 1 = 1। ठीक कर लोगे, जो मैग्नीट्यूड आएगा उसका क्या करना है, आधा, क्योंकि ट्राइंगल का एरिया है। और ये क्वेश्चन देखो, बायस थ्योरम का सीधा आया हुआ है। एक बैग है जिसमें, फर्स्ट बैग है जिसमें रेड कितनी है, रेड 4 ब्लैक भी 4। दूसरा बैग रेड 2 ब्लैक 6। वन ऑफ टू बैग्स इज सेलेक्टेड और एक बाल निकाली गई, वो रेड पाई गई, तो ये बताओ कौन से बैग में से, फर्स्ट बैग की प्रोबेबिलिटी बताओ, फर्स्ट बैग से हो, तो सीधा बायस थ्योरम बेटा, ईवन। ईवन क्या है, कौन बताएगा ईवन, इवेंट ऑफ गेटिंग ए रेड इन फर्स्ट बैग ना बेटा, इवेंट ऑफ सेलेक्शन ऑफ बैग फर्स्ट, दो बैग हो गए, ई टू क्या हो जाएगी,
इवेंट ऑफ सिलेक्शन ऑफ बैग सेकंड। बैग सेकंड ए हमने ले ली, कौन सी कटवाओ यो रेड। इवेंट ऑफ ड्राइंग, ड्राइंग रेड बॉल, तो पी ऑफ ए ओब्लिक ई वन क्या हो जाएगी बताना। पहले बैग में से रेड की, चार बटा आठ। ए ओब्लिक ई टू क्या हो जाएगी दूसरे में से रेड बॉल, दो बटा आठ। पी ऑफ ई वन कितना आएगा, दो बैग हैं तो एक बैग चुनने क्या हो जाएगी एक बटा दो, और पी ऑफ ई टू क्या हो जाएगा बेटा वन बाई टू। निकालना क्या है फर्स्ट बैग से, तो हमने निकालना है ई वन ओब्लिक ए, तो क्या आएगा ऊपर क्या आएगा, ई टू आओगा कि ई वन आओगा, फर्स्ट बैग की का है इसने। पी ऑफ ई वन और फिर पी ऑफ ए ओब्लिक ई वन बेटा, याद कर लो इसने। प्लस पी ऑफ ई टू और पी ऑफ ए ओब्लिक, तो एक बटा दो गुणा चार बटा आठ। और दो बटा आठ, तो एक बटा दो तो कॉमन आई कट जाएगा, चार बटा आठ बटे में चार बटा आठ जमा दो बटा आठ छह बटा आठ, तो उत्तर आ जाएगा चार बटा छह यानी कि दो बटा तीन। कर लोगे ठीक है बेटा, इस एलिप्स का एरिया काटियो, उत्तर कितना आएगा डायरेक्ट उत्तर बताओ कितना आएगा। इसका सिक्स पाई आएगा, शाबाश। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का है और ये एलपीपी का है, बाउंडेड एरिया मिलेगा ऐसा मिलेगा ये। ठीक कर लोगे, तो आप पेपर सोल्व नहीं करना, ये भी इंग्लिश पढ़ना है तुमने। ये पेपर खत्म हो गया 2020 के, आज दो कोड हो गए, तो कल शाम को क्लासेज होंगी, सुबह ठाठ से इंग्लिश का पेपर दे के आना है। और अब ठाठ से इंग्लिश पढ़ना ही, मैथ मत पढ़ियो बेशक, ठीक है बेटा, इंग्लिश की तैयारी करनी है। हैं बेटा पेपर कोड है ना, पेपर तो आप इस तरह हो। हाँ यो आज नहीं करना, आज नहीं करना यो, आज इंग्लिश की तैयारी करो ठीक है। तड़का इंग्लिश का पेपर हो लिया जब देख लियो, जब कर लियो ठीक है। और इंग्लिश के लिए मेरी शुभकामनाएं भाई, बेस्ट ऑफ लक। हाँ हैव ए नाइस डे एंड हैव ए नाइस पेपर, नाइस एग्जाम ठीक है। गॉड ब्लेस यू, ठीक है बेटा, थैंक यू।